के मानसून सत्र का गुरुवार यानी कि 3 अगस्त को 11वां दिन था। लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास कर दिया गया। लोकसभा में 2 बजे दिल्ली अध्यादेश विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों को गठबंधन का नहीं दिल्ली का सोचना चाहिए। एक बात तय है कि चाहे कितना भी अलायंस कर ले, सरकार तो नरेंद्र मोदी की ही आ रही है। मैंने कहा कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। परंतु कम से कम इसके लिए 130 करोड़ की जनता के सामने इतने एक्सपोज न हो। हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा, में मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तो नहीं, मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहां आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है भाई करो, मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए, सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे सारे इकट्ठे, और 130 करोड़ की जनता को बताते हैं हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमारी पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है, केवल और केवल राजनीति में चुनाव जीतने के लिए राजनीति में है। और बताइए भैया, आप बाहर जाकर मीडिया को, अगर ये नहीं है तो सारे बिल में क्यों एब्सेंट रहे? सारे बिल महत्वपूर्ण नहीं है क्या? सारे बिल महत्वपूर्ण है, आपको रहना चाहिए था, मगर ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करता है। और मैं एक बात आगे कह देता हूं कि ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है, केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे।